सुंदर, सस्ते और टिकाऊ गहनों की आज क्लास लगेगी और इस क्लास में टिप्स की बौछार होगी। कहाँ पे कौन से गहने पहने और गहनों की स्टाइलिंग कैसी हो, ये टिप्स आज आपको बताएंगी सुधा चंद्र यानी कि नागिन की यामिनी, जिनकी साड़ी और ज्वेलरी की स्टाइलिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है। सुधा चंद्रन को आपने इससे पहले रमोला सिकन के अवतार में देखा है, जिनकी बिंदी लगाने के स्टाइल को आज भी लोग याद करते हैं। मोस्टली मैं यही कोशिश करती हूँ कि क्योंकि मेरे पास कलेक्शंस, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता, वैसे तो पर्सनल लाइफ में मैं ये कुछ भी नहीं पहनती, तो जाहिर सी बात है कि जब ऐसा कोई अच्छा शो आता है या मतलब जहाँ पर लोगों का एक एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि कहीं किसी रोज़ के बाद जब मैं नागिन में दोबारा आई एंड टीमिंग अप अगेन विद बालाजी टेलीफिल्म, तो जाहिर सी बात है या तो बिंदियों की बात होती है या फिर ज्वेलरियों की बात होती है या फिर साड़ियों की बात होती है। और मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक्सपेक्टेशन हमेशा से रहा है कि सुधा चंद्रन जब भी छोटे पर्दे पर आएगी तो कुछ ना कुछ नया लेकर आएगी। सो नया आई थिंक ये सारे मेरे ज्वेलरी कलेक्शंस हैं जो मैं पिछले 7-8 सालों से मैं कलेक्ट करती आ रही हूँ, क्योंकि साउथ में मैं काफ़ी बिजी रही हूँ, तो अब जब मैं दोबारा हिंदी में आई तो मेरे पास कुछ 5 साल के कलेक्शंस हैं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ यूज़ करूँ, एंड थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स, थैंक्स टू नागिन कि मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं टोटली और एक्सटेंसिवली उसे यूज़ कर रही हूँ। जनरली जो ईयरिंग्स मैं फॉलो कर रही हूँ ये बहुत ही लाइट वेट, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि ये है क्या, बिकॉज ये बेसिकली ये जो पीसेज है जो हम या तो सलवार कमीज या ब्लाउजेज में यूज़ करते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं ये पीसेज मतलब पिकअप कर रही थी तो मुझे लगा एक बार मैंने ऐसे लिया और पहले एक बार मैंने ऐसे लगाया, मैंने कहा नॉट बैड, अंगूठी भी बहुत अच्छी लगती हैं, फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर इसे हम यहाँ भी पहन ले तो भी खूबसूरत लगता है, बिकॉज इट लुक्स वेरी नॉवल। और क्या है, जब आप बहुत हैवी वेट पहनते हो ना तो दिन भर उसके साथ ना आप सो सकते हो ना उठ सकते हो, बड़ा ऐसा एक इरिटेशन महसूस करते हैं हम एज एक्टर्स, तो दिस इज एब्सोल्युटली लाइट वेट, मगर अगर आप देखेंगे तो कोई वेट है ही नहीं, तो दिन भर आप इसके साथ घूम सकते हो, सो सकते हो, आराम कर सकते हो। तो ये एक नॉवल आइडिया मैंने निकाला, तो जैसे जैसे मैं ढूंढने लगी थिंग्स तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा, दिस इज वेरी डिजाइनर लगता है। बट द ओनली थिंग इज कि आप इसे सिंगल नहीं पहन सकते, कानसेर की जरूरत पड़ती है ताकि एक सपोर्ट मिले आपके ईयर्स को, बट अदरवाइज कुछ लोग ये भी कहेंगे कि सुधा जी आप ये बड़े बड़े पहनते हो बट हम तो ये नहीं पहन सकते आम जिंदगी में, बट आपके लिए भी मतलब ऐसी छोटी छोटी भी है, जैसे एक लाइट ब्लू ये है तो अगर आप छोटा मतलब कोई बहुत ही मेलोड्रामेटिक सीन हो तो हम ये छोटे छोटे पहन लेते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, एंड इफ यू सी दिस ज्वेलरी देखने में तो मतलब बहुत ही हैवी सा लगता है, बट इट इज नथिंग बट इज जस्ट अ कार्डबोर्ड और अ पेपर है ये, मतलब बहुत ही लाइट वेट है, दिन भर आप इसके साथ चाइनीज ज्वेलरी जो मैं पिकअप करती रहती हूँ। और अगर ज्वेलरी की मैं बात कहूँ तो जब मैंने आई थिंक कहीं किसी रोज की शुरुआत मैंने की तब से लेकर आज तक मेरी एक ज्वेलरी लड़की है मीना, जो यही मलाड में रहती है, उसी से मैं पिकअप करती हूँ। एंड आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बहुत ही कॉस्टली ज्वेलरी मैं पिकअप करती हूँ, बिल्कुल ही नहीं। राज की बात बताओ तो मेरी कोई भी ज्वेलरी 400 रुपये से ऊपर ज़्यादा कभी नहीं लेती, मैं बहुत ही कंजूस हूँ, तो इफ़ यू सी द ज्वेलरी नथिंग इज़ बियॉन्ड 400-450, और ये सब तो मतलब 30-30 रुपये के मिलते हैं और उसमें सिर्फ मैं ये लगाती हूँ। देखने में तो बहुत ही डिज़ाइनर वेयर लगता है, बट आई नेवर बिलीव इन डिज़ाइनर वेयर, आई बिलीव इन शॉपिंग इन द फुटपाथ। इसमें पसंद ये है कि इट इज कुछ नहीं है, ये सिर्फ धागा है, इट्स ओनली यू नो जैसे हम लोग प्लेट करते हैं ये वही है। द ब्यूटी इज कि ब्लू में ये जो गोल्डन है, ये जो शाइन है, दैट इज द ब्यूटी। बट अगर आप पहनो, पर्सनली अगर मैं ये पहनूँ तो शायद अच्छा ना भी लगे, बट व्हेन यू रियली ड्रेस अप वेल, जैसे एक अच्छी साड़ी आप पहनो या फिर यू नो आप इसको मतलब सही सच के आप पहनो तो अच्छा, बहुत अच्छा। बिकॉज आई वॉज फ्लाइंग समवेयर, तो मैंने किसी के मतलब एक कैटलॉग में मैंने देखा था, तो मैंने इमीडिएटली आई टुक माई कैमरा और मैंने एक क्लिक किया, बट इट वॉज डिफरेंट। ये क्रिस्टल्स वाइट नहीं थे, ये क्रिस्टल्स आई थिंक देवर मतलब रूबी या एमरल्ड्स थे,
एंड आई डोंट बिलीव इन बाइंग एमरल्स और रूबीज, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो प्लेन क्रिस्टल्स है ना उसके साथ एक कॉपीवेयर, मतलब अपना काम चलाओ जिसको बोलते हैं, वैसे मैंने डिज़ाइन किया, बट बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखेंगे आपने सही पहचाना, एब्सोल्युटली बैंड्रा कलेक्शन है, बिकॉज ये सब वो चीज़ें होती है ना, लाइक व्हेन यू जस्ट वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट सडनली आपको लगता है यार बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत यू नो ये बहुत ही इंडियन लगता है। इंडियन इन द सेंस ये अगर मैं कहूँ तो मे बी 60s या 70s डिज़ाइन, और स्पेशली जब जो कैरेक्टर अब मैं प्ले कर रही हूँ हवेली से कनेक्टेड है, फलाना है, एंड शोभा कपूर जी स्पेसिफिकली उन्होंने ये कहा कि आप ज़्यादातर गोल्ड पहने, तो अगर हम ट्रेडिशनल गोल्ड की बात करें तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल पैटर्न है। तो जो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पर कुछ चीज़ें मैंने उठाई थी यू नो फ्रॉम द रोड्स, वो सब मैं प्रिजर्व करती हूँ, बिकॉज अपनी ज्वेलरी से मैं बहुत ही पैशनेट हूँ। तो ये हमेशा मतलब ऐसा नहीं कि ये एक सीरियल हो गया है तो उठा के मैंने रख दिया, नो। अगर आप मेरे कबर्ड्स देखेंगे तो इसको बहुत प्रॉपरली एक प्लास्टिक कवर में पैक करके उसको विथ यू नो पिनअप्स रहेंगे, तो जब भी मुझे कुछ उठाना हो तो मैं जानती हूँ कि इस कबर्ड में ये सारे ऑर्नामेंट्स हैं, हाथ डालो निकालो वो मेरे हाथ में आ जाए। ये कंगन तो मैं आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू बालाजी टेलीफिल्म्स, क्योंकि मैं बीकानेर में शूटिंग कर रही थी, सो वहाँ पर लोगों ने कहा कि थैंक्स टू मौनी, बिकॉज सबसे पहले मौनी गई थी ये ऐसे बैंगल्स चूज करने, तो आई शी सेड यू नो आई यू नो बॉट लॉट ऑफ बैंगल्स। मैंने कहा बैंगल्स मौनी कैसे ले सकती है, मुझे भी तो लेना है। तो आई वेंट और हमने मतलब उस बंदे को सेट पे बुलाया, बाकायदा शूटिंग रोक के हमने मतलब आई थिंक आई शॉप फॉर अबाउट 8,000 और 10,000 रुपीज़, मतलब इतने बैंगल्स मैंने खरीदे, और मुझे इतनी खुशी होती है कि ये एब्सोल्युटली इस कैरेक्टर को मैच भी करता है, बिकॉज इट्स अ वेरी ट्रेडिशनल और बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज अगर इसके बीच में जैसे आई एम वेयरिंग अ येलो साड़ी इन वन ऑफ द सीन्स, तो येलो के साथ मैं क्या करती हूँ इस रेड को मैच कर देती हूँ, तो इट गिव्स अ वेरी फुल फीलिंग भी आती है एंड इट लुक्स वेरी नाइस, बिकॉज एक ब्रेक भी मिलता है। उम्मीद करते हैं कि सुधा चंद्रन जी के टिप्स आपके बड़े काम आए होंगे और साथ ही इनके दिए हुए आइडियाज को आप जरूर अपनाएंगे। वंदना शुक्ला की रिपोर्ट।